Today we are starting with a new chapter, that is chapter 17, Stars and the Solar System. Paheli and Bujo visited their grandparents' village during the summer break. After dinner, they went on the roof of the house. It was a clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful scene in their city. पहेली और भूजो समर वेकेशंस में अपने ग्रैंडपेरेंट्स के घर गए थे. डिनर करने के बाद वो जब छत पे गए तो उनको बहुत क्लियर क्लाउडलेस स्काई दिखी. वो बहुत सरप्राइज हो गए इतने सारे स्टार्स देखकर स्काई में, क्योंकि जब स्काई क्लाउडलेस होती है तो स्टार्स अच्छे से अपियर होते हैं. जो स्टार्स अपियर होते हैं वो बहुत ब्राइट दिखते हैं. उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सीन अपनी सिटी में कभी भी नहीं देखा था. पहेली वंडर्ड व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज. पहेली ने सोचा कि विलेज की जो स्काई है वो सिटीज़ में दिखने वाली स्काई से इतनी डिफरेंट क्यों है. हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन द बिग सिटीज़ इज रेयरली क्लियर. पहेली के ग्रैंडफादर ने उसको एक्सप्लेन किया कि ब्राइट लाइट स्मोक और डस्ट की वजह से बड़े शहरों की स्काई इतनी क्लियर नहीं दिखती. नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज क्लियर. अगर हमको आसमान देखना है तो हम तभी देख सकते हैं जब एटमॉस्फेयर क्लियर हो और कोई ब्राइट लाइट्स नहीं हो, ताकि हमको स्टार्स, मून्स और बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखाई दें. Look at the sky on a dark, clear night. You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. Do all of them appear to twinkle? Do you find any star-like object which does not twinkle? The objects which do not twinkle are planets. जब आप एक डार्क क्लियर नाइट में स्काई को देखोगे तब आपको काउंटलेस स्टार्स दिखेंगे. कुछ स्टार्स बहुत ज़्यादा चमक रहे होंगे और कुछ नहीं चमक रहे होंगे. अगर आप स्टार्स को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं. आपको ऑब्जर्व ये करना है कि क्या सारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं. आपको जो ऑब्जेक्ट्स स्काई में दिखेंगे ट्विंकल नहीं करते हुए, वो सारे स्टार लाइक बॉडीज प्लैनेट्स होते हैं. प्लैनेट्स और स्काई में डिफरेंस ये है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं. इससे अपन को पता चलता है कि कौन से स्टार्स हैं और कौन से प्लैनेट्स. द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. अगर आपसे question पूछा जाए कि night sky में brightest object कौन सा होता है तो आप answer लिखेंगे moon. इसके अलावा अगर आपसे celestial objects के बारे में पूछा जाए तो stars, planets और moon और काय में दिखने वाली बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. लेकिन क्या ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सिमिलर होते हैं, मतलब सेम होते हैं, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग विद 17.1 द मून एक्टिविटी 7.1 ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स प्रेफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट. Make a sketch of the moon every night in your note and note the day from the day of the full moon. Also, note every day the part of the sky east or west in which the moon is seen. Activity 7.1 आप घर पे ट्राई कर सकते हो.
इस एक्टिविटी में आपको फुल मून को ऑब्जर्व करना है। एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक सारे मून के फेजेस जितने भी आते हैं बीच में वो सब आपको ऑब्जर्व करना है और अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना है, और मून का जो भी फेज आपको जिस भी दिन दिखेगा वो आपको ड्रॉ करना है। इसके अलावा आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि मून ईस्ट साइड में आया है या वेस्ट साइड में। आपको मून का शेप हर रोज़ चेंज होते हुए दिखेगा और हर रोज़ आप देखोगे कि मून परफेक्टली राउंड नहीं है, किसी एक दिन ही होगा जब मून परफेक्ट राउंड शेप में होगा और कभी कभी आपको मून दिखेगा ही नहीं। सो द डेज इन विच द होल डिस्क ऑफ मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। जब आपको पूरा मून परफेक्टली राउंड शेप में दिखेगा वो दिन होगा फुल मून डे। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। फुल मून वाले दिन के बाद से हर रात जो साइज है मून का वो छोटा होता जाएगा। ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे। अब एक तो हमारा हो गया फुल मून डे, एक होता है न्यू मून डे। इस दिन आपको मून दिखेगा ही नहीं और ये जनरली 15th डे पर होता है। न्यू मून डे के बाद अगले दिन मून का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन दिखता है स्काई में, उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून के बाद फिर से मून बड़ा होते हुए अपन को नज़र आता है, हर रोज़ मून फिर से थिक होता जाता है। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। और ये सारे शेप्स मून के फेजेस ऑफ द मून कहलाते हैं जो हमको पूरे महीने में देखने के लिए मिलते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून अकर। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट वेयर एज द सन एंड द अदर स्टार्स डू। We see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us. We therefore see only the part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. अब हमने phases of the moon के बारे में पढ़ा, लेकिन ये सारे moon के phases होते क्यों हैं? आपको पता है कि मून खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जैसे कि सन और दूसरे स्टार्स कर सकते हैं। तो मून हमको सिर्फ इसीलिए दिखता है क्योंकि सनलाइट उस पर पड़ती है। जब सनलाइट मून पर पड़कर रिफ्लेक्ट होती है अपनी तरफ तो हमको मून दिखता है। इसीलिए हमको मून का सिर्फ वही पार्ट दिखता है जिस पार्ट पर सनलाइट फॉल होती है और हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 7.2 से डिटेल में समझेंगे।